नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज एक ऐसा प्रश्न जो है प्रभु जी से पूछने वाला हूँ जो बहुत सारे लोगों के मन में होता है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरह से इस बात को रखते हैं। प्रभु जी, लोग प्रश्न है वो ये है, सीधे शब्दों में पूछूं तो, कि मंदिर में दान करूं या भूखे आदमी को खाना खिलाऊं। देखिए, वैसे अगर आप देखेंगे भूखे लोगों को कौन खिला रहा है ज़्यादा, मंदिर तो खिला रहे हैं। अगर किसी से व्यक्ति से पूछा भाई तू मंदिर में दान नहीं करता ना, क्योंकि आपको लगता है मंदिर तो करप्ट है, तो फिर आप खुद भूखों को बहुत खिलाते होंगे, राइट? आप मुझे अपना अकाउंट देंगे थोड़ा सा, आपने कितने भूखे लोगों को आपने पिछले 2-4 महीनों में खिला दिया होगा? कम से कम 1 महीने में 1 भूखे को तो खिला दिया होंगे ना। आंसर इज नो, हम लोग नहीं खिलाते। बेसिकली क्या होता क्या है, हमें एक बहाना चाहिए पैसा दान ना करने का। अरे यार, ये मंदिर में दान करने बजाय हम तो गरीबों को खिलाएं। तो आपने गरीबों को, कितने गरीबों को खिलाया आपने? खिलाया नहीं, कुछ नहीं खिलाया। घर में बल्कि एक्स्ट्रा खाना बच जाता है, वो कहाँ जाता है? फ्रिज में। फ्रिज से बाहर निकलता है माइक्रोवेव में, गर्म होकर बंदा फिर करके फिर खा लेता है, फिर बच जाता है बाकी बचाओ, फिर फ्रिज में, फिर फ्रिज से निकालता है माइक्रोवेव में गर्म किया, फिर खा लिया, फिर बच गया, फिर फ्रिज में। भूखा तो बाहर बैठा है, बाबू जी कुछ दे दो मेरे को। तुमको कुछ नहीं मिलेगा बेटे लाल, हमारे घर में 2 एंटिटीज आ गई अब, एक का नाम है फ्रिज, उसका नाम है माइक्रोवेव। जब तक इन दोनों की जुगलबंदी घर में है, भूखों को कुछ नहीं मिलने वाला है, दफा यहाँ से। आए बड़े, फिर आप दान करें मंदिर के लिए? नहीं, देखिए मंदिर में दान करने के बजाय तो गरीबों को खिलाइए आप। अच्छा, तो गरीबों को खिलाए थे आप? नहीं, वो ही नहीं करते हम तो। बेसिकली आप कपटी और दम्भी हैं। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं ये कपट और दम्भ है। और अगर आप देखें गरीबों को खिलाता कौन है, मंदिर ही खिलाते। मंदिर हो गए, गुरुद्वारे हो गए, ये तो खिला रहे गरीबों को। अभी कोविड के समय में पूरे इस्कॉन इंडिया ने 5 करोड़ प्लेट्स बांटी हैं जी, अकेले इस्कॉन द्वारका नहीं, टोटल 7 करोड़, 5 करोड़ तो अकेले इस्कॉन द्वारका ने बांटी है। ये तो काउंटिंग करे गए हैं इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले कि हाँ जी, हर रोज मैक्सिमम जो हमारा जो नंबर गया था वो था 5,16,000 प्लेट्स एवरीडे, मतलब व्हेन वी आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग एट द पीक लेवल। तो वो सब के सब जो लोग थे उसमें गरीब भी थे, उसमें अमीर भी थे, क्योंकि हम देख रहे थे भाई कोविड में जो भी अफेक्टेड है सबको खिलाने का। तो खिलाया किसने गरीबों को जी? मंदिर तो खिलाते हैं आज, जबकि कोविड ओवर हो चुका है। आज भी अगर आप इस्कॉन टेम्पल में जाएं, इस्कॉन ईस्टर कैलाश में जाएं, पंजाबी बाग में जाएं, इस्कॉन द्वारका में आएं, आज भी हमारा प्लाजा एरिया में खिचड़ी प्रसाद, कड़ी चावल प्रसाद, हलवा प्रसाद आज बट रहा होता है। उसमें ऑटो रिक्शा वाले भी आते हैं, रिक्शे वाले भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, कुछ लोग अपनी थाली में लेके जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा टिफिन में भी लेके जाते हैं। हमारे फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स में भी हम देखते हैं ओके, हमारे जो फेस्टिवल इसके अलावा बहुत सारा प्रसाद बढ़ता है, हम गरीबों बांटने के लिए जाते हैं। स्पेशली वी टेक ऑल दी आइटम्स, उसको गाड़ी में लोड करते हैं, बस्तियों में जाते हैं और वहाँ पर जा करके हमारे डिवोटीज खुद उनको बांट करके आते हैं। तो इसलिए एक्चुअली देखा जाए गरीबों को कौन खिला रहा है, गरीब बच्चों को कौन खिला रहा है, मंदिर खिलाते हैं एक्चुअली। और बल्कि इंडिया इस्कॉन का नाम है, इट्स वर्ल्ड्स नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन इन डिस्ट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वेजिटेरियन फूड अमंग द नीडी पीपल। शुद्ध शाकाहारी भोजन बांटने में नंबर वन संस्था है इस्कॉन, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है इस्कॉन का। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में था इमरजेंसी के टाइम में सबसे अधिक किसने खाना खिलाया, इवन ड्रोन का इस्तेमाल करके हमने प्रसाद बांटा है कि अगर कोई व्यक्ति है 5 प्लेट चाहिए खाना आपको चाहिए जी, हम 2 टाइम प्रसाद देंगे आपको, नो डाउट नो प्रॉब्लम। ड्रोन में के हुक में उसको टांगा और वो ऊपर गया, 20 माले पे देकर गया है वो। तो किसने खिलाया आज गरीबों को? तो इसलिए अगर वो बोले आप तो गरीबों को खिलाओ जी, सर गरीबों को हम खिला रहे हैं, आप खिला रहे हो क्या? मेरे को एक व्यक्ति ने बोला आप ये टेंट लगाते हो जन्माष्टमी का, कितने का टेंट लगता है आपका? मैंने कहा जी ये 20 लाख का टेंट लगता है, वाटरप्रूफ टेंट होता है। 20 लाख आपने यहाँ फूक दिया टेंट में, आप जन्माष्टमी के गरीबों को खिला दिया होता है? मैंने कहा सर जी ये टेंट जब लगाते हैं ना वाटरप्रूफ, इसलिए लगाते हैं जब गरीब आएगा ना यहाँ प्रसाद पाएगा तो बारिश आती है जन्माष्टमी के दिन आती है, उसके प्रसाद में पानी ना गिर जाए, इसके लिए टेंट लगाते हैं। तो मूर्खाना थोड़ी ईर्षा द्वेष कम करो और यहाँ से नेगेटिविटी निकालो और पॉजिटिव देखना थोड़ा शुरू करो। ऐसे नो डाउट ऐसे मंदिर में आप दान भरी ना दें जहाँ पर कि लोग अपने भोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पैसा जो है व्यक्ति अपने भोग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, पैसा आएगा मैं घूमूंगा फिरूंगा लड़की बाजी करूंगा, मत दो ऐसे मंदिर में दान। लेकिन यहाँ तो क्लियर कट है जी, इस्कॉन एक्चुअली डज सेवा। और ऐसे और भी संस्थाएं हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इस्कॉन ही है, इसके अलावा और भी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि वाकई में लोगों की सेवा करती हैं। व्हाई नॉट वी शुड गिव, जैसे मैंने गुरुद्वारे का नाम लिया, गुरुद्वारे भी एक्चुअली देयर यस, ऑल्दो हमारे यहाँ फिर वी गो फॉर बिना प्याज लहसुन का, भगवान को भोग लगाया हुआ, जगन्नाथ जी को भोग लगाया हुआ, प्रसाद के रूप में वितरित होता है। तो इसीलिए हमें मंदिर में दान करना चाहिए। आपको डाउट हो इस मान लो आपको लगे पैसे का मिसयूज हो जाएगा, ये चावल दाल ये सब दे दो, कहीं लोग आके वो दे देते हैं, कहते हैं भाई तुम वो दे दो, लेकिन घटिया क्वालिटी का मत देना कि मंदिर में दान करना है तो ना हम घटिया क्वालिटी का चावल देंगे, टूटे दाने वाले दाले दे देंगे, दान ही तो है जी, हम
जब यहाँ लेते हैं दान, कहते भैया आप ना कम दे दो, आप हमें 6 बोरी चावल मत दो, आप हमें 3 बोरी दे दो, बाकी हम कहीं और से जुगाड़ कर लेंगे। हाँ, लेकिन क्वालिटी अच्छी दो, क्योंकि दान का जब खाना बने, पहली बात तो भगवान को भोग लगना है, इट शुड बी गुड क्वालिटी। उसका जो लोग प्रसाद पाएंगे उनको भी हमें अच्छा साथ देना है। सो वी टेल देम भले आप कम दो लेकिन अच्छी क्वालिटी का दो, सही वहाँ से कम एक बेसिक क्वालिटी बासमती की हो, दैट्स इम्पॉर्टेंट। पर हम टूटे दाने वाला ऐसा वैसा कोई भी हो ना, तो दान के लिए हम एनकरेज करते हैं लोगों को, दान करना चाहिए। आप देखिए बाकी धर्मों में लोग दान करते हैं, इस्लाम के अंदर आपकी जो तनख्वाह है उसका पहला हिस्सा दीन के लिए, धर्म के लिए। क्रिश्चियनिटी में लोग वेटिकन सिटी में इतना दान करते हैं भाई, ओके सो दैट पीपल कैन बिकम टू द फोल्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी। एक हिंदू सोचता रहता है नहीं मंदिर में काय का दान करना यार, ये खा जाएंगे, पैसा खा जाएंगे। अरे भाई ठीक है, खाने वाले मत दो तुम, लेकिन जो अच्छे वाले मंदिर है जो वाकई में सेवा कर रहे हैं उनको दे दो, और आपको फिर भी विश्वास ना हो ये आटे दाल वो दे दो, अपने हाथों से बांट लो। आपको लगा शायद ये अमूक लबू खा जाएंगे सारा हमारा आटा दाल, दो अरे भाई मैं कितना खा लूंगा, 3 पराठे खा लूंगा एट द मैक्स, और क्या, नहीं तो बाकी तो औरों में बटेगा। तो आओ खुद अपने हाथों से बांट लो, पर हमें दान करना चाहिए। और मंदिरों के माध्यम से आज कितना बटवा प्रसाद का वितरण होता है, बंटवारा होता है उसका, दैट्स रियली वंडरफुल। तो इसलिए इस चीज़ को पॉजिटिवली लेकर के आप देखें जो सही एवेन्यू है वहाँ दान करना चाहिए। देखिए हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, ये टिपिकल गृहस्थ के पास क्या इतना टाइम है कि स्पेशली आज वो आज बनाएगा चने और पूड़ियाँ और गरीबों को बांटने के लिए जाएगा, कहते हैं बड़े बिजी लोग हैं जी हम लोग, कोई बात नहीं आपके बिहाफ पे हम बांट देंगे। तो इसीलिए हमें दान करना चाहिए, हम गरीबों को बांट पाएँ। इतना हमारा बोता भी नहीं है, कहने के वो एटीट्यूड भी नहीं है, अगर एटीट्यूड है तो टाइम नहीं है, थोड़ा वो धन है ना उस धन को देंगे, देन वी गेट आवर इवन वेल्थ कर्मा फ्री। हमारा धन, हमारी तनख्वाह, हमारी मनी जो है इट बिकम्स कर्मा फ्री। तो इससे दान हमको करना चाहिए मंदिर में आकर के, ताकि धर्म का और प्रचार प्रसार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, और उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।